नमस्कार, मैं कृपाशंकर, आप इंसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि इस समय हम पटना वुमेन्स कॉलेज में मौजूद है और हमारे ठीक बगल में देखिए किस तरीके से पटना वुमेन्स कॉलेज को आज एक गिफ्ट मिला और गिफ्ट बहुत बड़ा ही समझिए, क्योंकि जिस तरीके से MLC जो है सच्चिदानंद राय के द्वारा ये अपने निजी खर्च यानी निजी एक तरीके से कहे कि MLC फंड से नहीं, वो अपने निजी पैसे निजी खर्चों से दिए हुए हैं, अपने यहाँ से मतलब खुद अपने तरफ से ये गिफ्ट दिए हैं। और आपको बताते चले कि पटना वुमेन्स कॉलेज सच्चिदानंद राय पहुँचे थे और उन्होंने कहा कि हम एक दिन विजिट करने आए थे पटना वुमेन्स कॉलेज में, लेकिन उसी दौरान एक वाकया हुआ, एक घटना हुआ, किसी महिला को यहाँ पर पैर में चोट वोट लग गई, उसको ले जाने में दिक्कत हो रही थी, उसको देखते हुए हमने कहा कि पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए हम एक गिफ्ट देंगे और एम्बुलेंस गिफ्ट देंगे, लेकिन छुट्टियों का दौर था इसलिए हमें देरी हो गया, लेकिन आज हमने गिफ्ट दे दिया है। ये अपने पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए दिया है गिफ्ट। और उसके बाद से सत्यनारायण राय ने तमाम बातों को रखा है एक एक करके। उसके बाद से प्रिंसिपल जो है यहाँ की पटना वुमेन्स कॉलेज की काफ़ी खुश दिख रही है। पहले सुनवाते हैं, सत्यनारायण राय पटना वुमेन्स कॉलेज पहुँचे थे और गिफ्ट देने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। मेरी बेटियाँ यहाँ पढ़ती हैं और उन्हें अगर एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो किसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए ये एम्बुलेंस प्रोवाइड करने की। अगर ईश्वर ने मुझे वो क्षमता दी है, शक्ति दी है कि मैं ये एम्बुलेंस यहाँ पहुँचा दूँ, तो मैंने पहुँचाने का काम किया। डोनेट वाला कोई शब्द जो है मैं बड़ा गलत शब्द मानता हूँ। सवाल ये उठता है कि जो भी MLC होते हैं वो अपने क्षेत्र में करते हैं क्योंकि राजनीतिक तौर पर फायदा होता है, आप पटना में आकर कर रहे हैं वुमेन्स कॉलेज में ये मुझे आप MLC के रूप में ना देखें। मैं सच्चिदानंद राय बिहार का एक बेटा हूँ और बिहार की बेटियों के लिए कुछ कर रहा हूँ, और इसमें कोई MLC का ना फंड लगा है ना सरकारी एक पैसा खर्च हुआ है, जो भी किया है मैंने स्वयं किया है। सर, तो पटना वुमेन्स कॉलेज को ही क्यों चुना गया है? पटना वुमेन्स कॉलेज ने मुझे चुन लिया, मैंने नहीं चुना है। यहाँ पर इतना मैडम है, वो एक दिन हमारे यहाँ आई थी और उन्होंने मुझे इनवाइट किया। जब मैं यहाँ पर आया, संजोग से उसी एक दिन पहले घटना घटी थी, एक कोई शिक्षिका घटना का शिकार हुई थी और एम्बुलेंस के अभाव में काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा था, तो बात उठी। हमने कहा ये कौन सी छोटी सी चीज़ है, मैं कल भिजवा देता हूँ। तो हालांकि इसके बाद छुट्टियाँ पड़ गई, इसलिए तो एम्बुलेंस तो 15 दिन पहले ही तैयार हो गया था, लेकिन आज यहाँ पहुँचाया गया। सर, पॉलिटिकल सवाल एक ये है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, लालू जी उसी क्षेत्र से, उनकी राजनीति शुरू हुई जी, बड़े एक्टिव हो गए हैं छपरा को लेकर, तो होना ही चाहिए। जहाँ से उनका राजनीतिक पैदाइश है वहाँ अगर एक्टिव नहीं होंगे तो गलत करेंगे, उसके तरह न्याय करेंगे, उन तो एक्टिव होना चाहिए। हम तो कहते हैं छपरा को अब तो दुल्हन की तरह सजा देना चाहिए था उनको, जिस छपरा ने उन्हें इतना बड़ा नाम दिया, आज केवल एक्टिव हुए हैं तो ये थोड़ा बात ठीक नहीं है। उनको तो हमेशा ही एक्टिव रहना चाहिए था, छपरा के बारे में सोचना चाहिए था। एक और सवाल है कि हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो बिहार में तेजी से राजनीति जो है वो बदल रही है। लालू यादव को कांग्रेस कुछ ज़्यादा तरजीह दे रही है अगर कंपेयर करें नीतीश कुमार से। क्या फूके हुए कारतूसों की बात कर रहे हैं आप? लालू यादव और कांग्रेस का ही हैं ये लोग, किसी क्वेश्चन में है क्या? सब फूके हुए कारतूस है, जमाना बदल गया। तो आपने सुना किस तरीके से सच्चिदानंद राय ने बातों को रखा है, साफ साफ कह रहे हैं कि सबको एक पहल करनी चाहिए। जिस तरीके से हमने पटना वुमेन्स कॉलेज को एक गिफ्ट दिया है एम्बुलेंस के रूप में, क्योंकि यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ती हैं, महिलाएं यहाँ पर प्रिंसिपल है, तमाम जो है उनके लिए सुविधा को देखते हुए हमने ये गिफ्ट दिया है, और भी लोगों को इस पहल में जुड़ना चाहिए और आगे आकर के उनकी मदद करनी चाहिए। साथ ही जो प्रिंसिपल हैं यहाँ की पटना वुमेन्स कॉलेज की, वो भी काफ़ी खुश दिख रहे हैं। पहले सुनवाते हैं वो क्या कुछ करें पटना वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल। Happy that we got this ambulance. It was our dream to have one ambulance, and I was looking for a sponsor who would actually give us an ambulance. And when sir came last 2-3 weeks ago here, I requested him. He said any time, because he is every time ready for giving anything to his daughters in Bihar. So he was very happy, and we are very happy. We are fortunate to have this. Ambulance and we appreciate his generosity. Thank you. तो आपने सुना किस तरीके से पटना वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल भी काफ़ी खुश दिख रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट मिलने के बाद से उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं थी अब लगभग दूर होती हुई नजर, क्योंकि एक दिन वैसा हुआ कि जब MLC साहब आए थे तो विजिट के दौरान एक महिला को एक तरीके से चोट लगी हुई थी, उसको ले जाने में दिक्कत हो रही थी, एम्बुलेंस की मदद नहीं मिल पा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आप लोग की मदद करेंगे और एक एम्बुलेंस देंगे, अपने निजी खर्चे पे देंगे। और आज उन्होंने पटना वुमेन्स कॉलेज को एक एम्बुलेंस दे दिया है। देखिए सामने हमारी एम्बुलेंस खड़ी है, काफ़ी तमाम जो छात्राएँ थी उसमें भी खुशी की लहर थी। हमने दिखाया तस्वीरें भी, देखिए किस तरीके से तमाम पटना वुमेन्स कॉलेज की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से तमाम जो छात्राएं हैं, प्रिंसिपल है, तमाम जो शिक्षिका है, तमाम जो है यहां पर उपस्थित हुई थी एम्बुलेंस लेने के लिए। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।